हाँ जी, ये देखिए कपड़े वाले सेपरेटर्स तो बहुत लोग बनाते हैं, ज़्यादातर लोग बनाते हैं और मार्केट से भी ले लेके आते हैं। तो मैंने ट्राई किया कि मैं, मेरे पास पुरानी ऊन पड़ी हुई थी तो उससे मैंने सोचा कि इसको उससे ही बनाया जाए, देखते हैं कैसा बनता है। तो इसमें दो चीज़ का यूज़ किया, एक तो मैंने सिलाइयाँ यूज़ की, जो मोटी वाली सिलाई होती है ना उससे मैंने इसमें 100 फंदे डाले थे, 100 फंदे डाल के और सीधा सीधा बुनते चले गए, वो सबको पता है। पूरा बुन लिया मैंने, इतना सारा बुनने के बाद फिर इसको, सबसे मेन चीज़ इसमें क्या अच्छी लगी मुझे करने में कि इसको जब मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया ना, फिर इसके क्रोशिया से लेके, जो क्रोशिया होता है उसको इसके अंदर डाल डाल के मैंने ये पूरे फर तैयार किए हैं, पूरे फर बनाए हैं इतने, हर एक लाइन एक एक लाइन छोड़ छोड़ के उसको मैं बनाती गई और उसको एक साइज़ से मैंने इसको कट कर लिया, जैसे कि करीब ये 5-6 इंच के करीब के हिसाब से इसको एक एक को कट किया और फिर उसी के हिसाब से सब को कट कर कर एक साथ रख लिया और फिर इसके अंदर अंदर डाल डाल के उसको मैं लगातार बनाती चली गई। इस तरीके से देखा कि ये बहुत सुंदर लग रहा था तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि आप अगर कभी सेपरेटर बनाने की इच्छा हो तो इसको आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर कर लीजिए या डाइनिंग टेबल पर कर लीजिए, कहीं भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको और नीचे इसका पूरी लेंथ दिखाती हूँ। ये तो हमारी टेबल है, सेंटर टेबल है, उस पर रखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको पूरा नीचे देखेंगे ना तो देखिए ये पूरा इस तरीके से दिखाई देगा, इतनी इसकी लंबाई है। तो इस तरीके से मैंने इसको पूरा रेडी किया है। ये सब करने के बाद फिर बीच में मैंने ये दूसरे कलर की ऊन लगा दी है, इसमें पूरी बची हुई ऊन का ही यूज़ किया हुआ है, कोई भी नई ऊन नहीं है। तो इस तरीके से अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी करके हम कुछ भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, उसी के हिसाब से आप कुछ ना कुछ आपके अंदर आता रहता है, आप उसको निकालिए। तो मेरा इसको दिखाने का मकसद एक ही है कि कोशिश करिए कि अपने अंदर जो भी कुछ है उसको बाहर लाइए, बाहर लाएंगे तो अपने आप चीज़ें निकलती चली जाती हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मेरे पास बहुत हैं क्रोशिया की, बहुत चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं, फिर मैं आपको और भी दिखाऊंगी और भी शेयर करूंगी। ये मैंने सिर्फ उसको सेपरेटर के रूप में ही यूज़ किया हुआ है। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा।